नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे मंडी ज़िले में होने वाले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पे भर्ती की, और साथ में बात करेंगे धर्मशाला में होने वाले 10 पदों पर भर्ती की। पहले बात करते हैं मंडी ज़िले में होने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती की। हिमाचल के मंडी ज़िले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों पर भर्ती होने जा रही है। ये पद उपमंडल बालक के आंगनवाड़ी केंद्रों में भरे जाएंगे। ये जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी वंदना शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि उपमंडल बल के आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र कोट एक तथा टांबा एक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा बग्गी टू मगर नाइटला लोअर डांगू ओटा ब्यूरा तथा चंडियाल में आंगनवाड़ी सहायिका के पद भरे जाने हैं। इच्छुक पात्र महिला उम्मीदवार साधारण आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए बाल विकास परियोजना अधिकारी सदर मंडी के कार्यालय में 1 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकती हैं। इंटरव्यू 4 मार्च 2023 को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय मंडी सदर में आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू के समय सभी दस्तावेजों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे। इन पदों के लिए महिला उम्मीदवार संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के फीडर एरिया में 1 जनवरी 2023 को सामान्य रूप से रह रहे परिवार से संबंध रखती हो। आवेदनकर्ता का परिवार 1 जनवरी 2023 को संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र के सर्विस रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास रखी गई है। उम्मीदवार की पारिवारिक वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार का घर से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी अर्ध सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। इस बारे में उम्मीदवार को तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा। अब बात करते हैं नौकरी में प्रायोरिटी किसको दी जाएगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका, बाल सेविका, बालवाड़ी अध्यापिका, नर्सरी अध्यापिका, संबंधित पंचायत की सिलाई अध्यापिका, ECC केंद्र में शिशु पालिका के रूप में कार्य अनुभव को अधिमान दिया जाएगा। स्टेट होम आश्रिता, बालिका आश्रम आश्रिता, अनाथ, विधवा, निराश्रित, तलाकशुदा, विवाहित महिला जिसका पति पिछले 7 वर्षों से लापता है, महिला जिसे उसके पति ने छोड़ दिया है और वह अपने माता पिता के साथ रह रही है, उसको अधिमान दिया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भी उक्त नियुक्तियों में अधिमान दिया जाएगा। 2 लड़कियों वाले परिवार से संबंध रखने वाली अविवाहित लड़कियों, विवाहित महिलाओं को निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार अंक दिए जाएंगे, जिसके लिए प्रार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिक जानकारी के लिए बाल विकास परियोजना अधिकारी मंडी सदर के कार्यालय के टेलीफोन नंबर 01905225540 पर संपर्क किया जा सकता है। अब बात करते हैं धर्मशाला में होने वाले 10 पदों पर भर्ती की। 13 फरवरी को धर्मशाला में प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड धर्मशाला इंटरव्यू के माध्यम से 10 पदों पर भर्ती करेगी। प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड धर्मशाला ने प्रहरी मैनेजर के 10 पद जो कि पुरुष के लिए अधिसूचित किए गए हैं, इन पदों पर भर्ती के लिए 13 फरवरी को क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में इंटरव्यू लिए जाएंगे। ये जानकारी क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी धर्मशाला शमी शर्मा ने दी है। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन, जबकि भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए आयु सीमा 23 वर्ष से अधिक रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को कार्यस्थल धर्मशाला, कांगड़ा और पालमपुर रहेगा तथा कंपनी उनको 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन प्रदान करेगी। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने शैक्षणिक योग्यता की फोटोकॉपी सहित 13 फरवरी को सुबह 10 बजे क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में उपस्थित होकर उक्त कंपनी के समक्ष इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इंटरव्यू के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7018900314 पर संपर्क किया जा सकता है। धन्यवाद।